आज का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज न केवल इंडिपेंडेंट डे है, साथ में रक्षाबंधन भी है। उन सब के बाद भी आप में से काफ़ी लोग यहाँ रुके और आज क्लासरूम भी अटेंड की, तो मैं चाहूँगा कि आज हम एक ऐसा सेशन लें, क्योंकि आप अपने माँ बाप से दूर हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिटी से आए हैं, स्टेट से आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने माँ बाप आपके आज देखें, आप क्या सोचते हैं नेशन को लेके, आप अपने पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि वो मैसेज आप जरूर दें। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये सेशन देख रहे हैं, आपके अगर आप पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चों का सेशन देख रहे हैं, तो सुनिए, ये बच्चों के अपने थॉट्स से मैं चाहता हूँ कि बच्चे ये सेशन, आप इन सेशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए कि आज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने घर नहीं गए रक्षाबंधन होने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने जरूरी समझा कि अगर वो एक दिन के लिए जाते तो एक दिन नहीं, कम से कम 1 वीक 2 वीक खराब होते, दूसरा हम जिस फ्लो में पढ़ रहे हैं वो फ्लो ब्रेक होता। इसलिए बहुत सारे बच्चों ने डिसाइड किया कि सर हम अभी घर नहीं जाएंगे। इनफैक्ट कई सारे बच्चों ने ये भी डिसाइड किया कि सर हम दिवाली पे घर नहीं जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है, इसीलिए मैं ये सेशन शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ कि आप सभी ये सेशन को देखें और समझें क्या हमारे लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल जो आपके मन की बात है वो आप बोल सकते हैं, और आप सबको मैं बोलना चाहूँगा कि आज इंडिपेंडेंस डे है, हम लोग आज इंडिपेंडेंट हैं, और इसीलिए हम हर तरह के फेस्टिवल या अपनी लाइफ में जी सकते हैं। पर कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे लगती है कि जीवन में एक अभी भी प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए, पर हम कहीं ना कहीं आज फिर से डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और वो है टेक्नोलॉजी पर। हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। आज का दिन एक इम्पॉर्टेंट डे है। आप सभी बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आपकी वीकनेसेस हैं, जिन कमजोरियों से आप बंधे हुए हो, आज का दिन है कि आप उन कमजोरियों को दूर करें और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत, क्योंकि जब तक हम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे और उनको दूर नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये दिन का मैं आप सभी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने आप से समझिए, जैसे आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन जहां हमारे लिए, क्योंकि आज अगर हम देखें इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे एजुकेशन में हो, हर जगह इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर रहा है, और हम लोग आज सॉफ्टवेयर में सबसे आगे हैं। पर कहीं ना कहीं आज, क्योंकि हम सब लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग यंग हो, आपको इस नेशन को आगे बढ़ाना है, तो आपको समझना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आज आप अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, फेसबुक, ये सब जितना कम से कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप उससे अभी बिजनेस नहीं कर रहे। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, मॉरल वैल्यूज समझनी होगी। हम एक अच्छे सिटीजन जब ही बन सकते हैं जब हम इस बात को समझें कि क्या सही है और क्या गलत है, सही और गलत का हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आज आप देखते हो कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल गेम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनफैक्ट हमने ऐसा भी सुना, आपने भी पढ़ा है कि कुछ गेम ऐसे भी थे जिसमें कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। ये कहीं ना कहीं हम बनते जा रहे हैं। कई बच्चे, कई लोग मोबाइल में घंटों गेम खेलते हैं, घंटों चैटिंग कर रहे होते हैं, ये आपका टाइम वेस्टेज है। ये भी कहीं ना कहीं हम गुलाम होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जीवन बहुत अनमोल है, किस समय क्या इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आज क्योंकि आप लोग यहाँ रुके हुए हो, तो ये सेशन में इसलिए लेके आप सबका शेयर भी इसलिए करना चाहता हूँ कि बाकी बच्चे भी इस बात को समझें कि जो आपकी कमजोरियाँ, जो आपकी वीकनेसेस हैं, उनको दूर करना है, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी वीकनेसेस को दूर कर लिया, उस दिन आप जीवन में आगे निकल जाएंगे। याद रखिए, आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत होती है। अगर आपको लगता है कि मोबाइल फ़ोन से आपका डिस्टर्बेंस बहुत होता है, तो आप इमीजिएटली मोबाइल फ़ोन बंद कर दें। आपको लगता है कि आप फेसबुक पर ज़्यादा टाइम देते हैं, बंद कर दीजिए। आपको लगता है आप देर तक सोते हैं, आप बंद कर दीजिए। आप देखिए कि किन किन चीज़ों से आज आप बंधे हुए हैं, उनसे आज़ाद होना है। इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आपको उन सभी चीजों से आजाद होना जिनसे आप बंधे हुए हो, और आप सभी बच्चों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि ये इस सेशन को समझिए। हर बच्चे ने अपने अपने तरीके से बोलेंगे, तो इस बात को समझना आपको कि हम कहीं ना कहीं चाहते तो लाइफ में कुछ अच्छा करना, पर कुछ चीज़ें हमें उसके लिए छोड़नी भी पड़ेगी। हर इंसान चाहता है जीवन में बहुत सफल हो, बहुत आगे बढ़े, पर ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने इनपुट दो। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिल सकता, ये कहावत सुनी होगी, वही चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि केवल सोचने से कभी भी सफलता नहीं मिलती, उसके लिए लगातार प्रयास करना होता है, और हर दिन, हर एक दिन इम्पॉर्टेंट होता हमारे लिए। कल से बेहतर हमारा आज है, और आज से बेहतर हमारा कल जब भी होगा जब हम अपने आज को अच्छा बनाएं। तो मैं इसी मैसेज के साथ आप सबको बुलाना चाहूँगा, और चाहूँगा कि जो आपको अपने मन में आपके विचार हैं वो बोलिए और जीवन में आगे बढ़िए। और आप सब लोग भी जो ये सेशन को
देख रहे हैं ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या गलती है। कहीं ना कहीं इतने सारे बच्चे ये जो बातें बोलेंगे, हो सकता है आपकी भी वो रिलेटेड बातें हों। इसको अपने आप से रिलेट करिए और जीवन में आगे बढ़िए और कभी भी पीछे मुड़के मत देखिए। वो मिस्टेक्स जो जीवन में हो चुकी है उनको दोहराने से, उनको याद करने से कभी भी कुछ नहीं होगा। अब हमें अगर कुछ देखना है तो आगे बढ़ के देखना है। आज हमें समझना होगा कहीं ना कहीं हमारे नेशन में पॉलिटिकल कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसके वजह से हम उतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी करना चाहिए, फिर भी हमने कम नहीं की। आप सब लोग यंग हो, आगे बढ़ोगे तो जो कमी आपको लगती है कि ये चीज़ें होना चाहिए वो आप हो सकता है ना बदल पाए, पर आप खुद आगे बढ़ जाएंगे तो बदल जाएंगे। अगर दुनिया में किसी एक चीज़ को आप बदल सकते हो तो वो खुद को है। तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले शुरुआत अपने आप से कीजिए, अपने आप को बदलिए और समझिए कि आज हमारी वीकनेसेस क्या हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए और अपने पेरेंट्स अपने कंट्री के लिए कुछ अच्छा करिए जिससे आपको हमेशा प्राउड फील। थैंक यू। एंड अब मैं आप सबको बुलाना चाहूंगा, एक एक करके आप आना चालू करें और जो भी आप मैसेज नेशन के लिए देना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं, अपनी कंट्री के लिए बोलना चाहते हैं, वो बिल्कुल बोलिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पायल, आई एम फ्रॉम यूपी। मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगी, मेरा मैसेज वैसे तो गर्ल्स के लिए है बट ऐसा नहीं कि बॉयज़ ना सुने। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतलब हम आज इंडिपेंडेंस डे है लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब आज हम जो कुछ भी करें वो हमेशा अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनने के लिए करें। मतलब हमारा लाइफ का एवरी डे एवरी मिनट इंडिपेंडेंस डे जैसा हो। हमें अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना हो। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रेंड्स, एंड आई एम वैष्णवी शर्मा एंड आई एम फ्रॉम ग्वालियर एमपी। एंड मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आज का दिन किसी भी फेस्टिवल या फिर किसी भी ओकेशन से सबसे बड़ा दिन होता है, तो इस डे को सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए और मतलब कि याद रखना चाहिए। जैसे मतलब कि हमारे फॉर्मल लोगों ने एंड हमारे सोल्जर्स ने जैसे कि बलिदान दिया है कि इंडिया को कहाँ से कहाँ लाने के लिए, तो हमें भी वो कोशिश करनी चाहिए कि हम भी मतलब कि इंडिया के लिए कुछ कर सकें, अपने नेशन के लिए कुछ कर सकें। तो बस सब लोग मिलकर इंडिया के लिए कुछ करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, माय नेम इज़ वर्षा रानी, आई एम फ्रॉम भागलपुर बिहार। माय मैसेज टू ऑल फ्रॉम आप लोग जो लोग यहाँ निमसेट के मतलब जिस भी चीज़ के प्रिपरेशन के लिए आए हो, फोकस हो के वो प्रिपरेशन पहले करो, उसे कंप्लीट करो और अपना मतलब इधर उधर फिर और किसी चीज़ में अपने आप को डाइवर्ट ना करो, जो एम लेकर के आए हो उसे सब लोग अच्छे से करो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, माय नेम इज़ सुनैना विश्वकर्मा। आज दो दो फेस्टिवल है और दोनों फेस्टिवल की बहुत सारी बधाई हो आपको। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आज आसपास देख रहे होंगे आप बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, हर जगह फ्लैग्स लगे हुए हैं और कैसी आज रक्षाबंधन भी है, तो कई सारे लड़कों के मन में बहुत सारी रिस्पेक्ट होगी गर्ल्स के लिए। तो वही मेंटेन रखना हर साल पूरी ज़िंदगी भर और अपने फ्लैग को देख के जैसे आज ही सब सल्यूट कर रहे हैं, रोज़ नहीं करते, तो वैसे ही हरदम करिए और अपने आसपास के नेशन को अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा क्लीन रखिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम शीतल प्रिया, आई एम फ्रॉम बिहार। मैं बस इतना कहना चाहूँगी जैसे आप लोग क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करते हो वैसे ही अपनी लाइफ में करो और अपने पेरेंट्स के सामने भी करो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वैसे तो आई एम अंजलि गुप्ता, आई एम फ्रॉम यूपी। वैसे तो आज इंडिपेंडेंस डे है लेकिन हम लोग तो इंडिपेंडेंट नहीं है, मम्मी पापा डिपेंड है, तो बस हम लोगों को भी डिपेंड बनना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्राची सिंह, आई एम फ्रॉम भोपाल। मेरा मैसेज सबको सब यही है कि सबके पास में बहुत मैसेजेस होते हैं, बस उसको फॉलो करना या आपकी ड्यूटी होती है, तो आप अपने मैसेजेस फॉलो करिए ना कि दूसरे मैसेजेस सुन के बस मेरा मैसेज ये है कि आप अपने मैसेजेस को फॉलो करिए ना कि आप दूसरे मैसेजेस अपने लाइफ में लेके आइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीना खान, आई एम फ्रॉम भोपाल एमपी एंड आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम खुशबू एंड आई एम फ्रॉम ग्वालियर एमपी। एंड मेरा मैसेज ये है आप जिस काम के लिए यहाँ आए हैं टू अचीव योर गोल, सो प्लीज़ अचीव योर गोल बिकॉज योर सक्सेस एंड फेलियर अफेक्ट सो मैनी पीपल, सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माई नेम इज़ नीलम कुंगवानी एंड आई एम फ्रॉम भोपाल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, और असली इंडिपेंडेंस सब मिलेगी जब हम निमसेट क्लियर करेंगे और खुद इंडिपेंडेंट बनेंगे। हेलो गाइज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ़ यू, माई नेम इज़ दीक्षा सक्सेना, आई एम फ्रॉम यूपी उत्तर प्रदेश। अच्छे से एग्जाम दो, ऑल द बेस्ट, और क्लियर करके ही निकलेंगे अपन सब। आई एम कोमल कुमारी फ्रॉम बिहार। मेरा यही मैसेज है, अपने मम्मी पापा को थैंक यू कहना चाहती हूँ यहाँ तक पहुँचाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निकिता धारे, मैं भोपाल एमपी से हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अपने देश से हमें कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश भारी बाहर के देश वालों की हेल्प करते हैं, नहीं तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे देश की तरफ आँख उठा के भी देखें।
हेलो एवरीवन, आई एम दीपसिका एंड आई एम फ्रॉम बिहार. हम यहाँ पे जिस गोल को अचीव करने आए हैं उसको पूरा करके जाए. थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस ऑल ऑफ यू. हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका कुमारी फ्रॉम बिहार. मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अपना आप लक्ष्य कोई भी निर्धारित करें उसके लिए आप स्वतंत्र हैं. आप जिसमें इंटरेस्टेड हो उसी को एक लक्ष्य बना करके अपने लाइफ में आगे बढ़े. थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स, आई एम रूपम पटेल फ्रॉम बिहार. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी रक्षाबंधन. मैं बस एक ही मैसेज आज देना चाहूँगी, प्लीज़ रिस्पेक्ट ऑल द गर्ल्स. थैंक यू. हेलो, मैं प्रॉपर भोपाल की हूँ और मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि कहीं पे दुनिया में किसी भी ऊंचाई पे पहुँच जाओ लेकिन अब जिसकी वजह से पहुँचे हो उनकी इज्जत करो. हाय, आई एम फ्रॉम पंजाब मानसा. हैप्पी राखी एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. और मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो भी भाई होते हैं वो अपनी बहन को बोलते हैं कि आप हम आपकी रक्षा करेंगे, पर आप ऐसा मत करो. आप उनको इतना इंडिपेंडेंट बनाओ कि वो अपनी रक्षा खुद करे. आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू यू. मैंने सर की एक चीज़ हमेशा याद रखी है. सर हमेशा कहते हैं यहाँ पर जो रुक गया वो क्लियर कर लेगा, लेकिन एक चीज़ ये भी होती है जो अपने आप को समय देता है ना वो हमेशा क्लियर कर पाएगा. औरों पे डिपेंड होकर कोई नहीं कर पाएगा. हेलो एवरीवन, I am Sekar Suman and I am come from Bihar. मेरा मैसेज ये है कि आप कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो. हेलो एवरीवन, myself Rahul Kumar, I am from अलीगढ़ UP. मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपको सेल्फ मोटिवेट तो रहना ही है. आपके पास आपका जो फ्रेंड रहता है उसको कभी डिमोटिवेट लगता है तो उसको मोटिवेट करिए. इसके साथ साथ आप तो होंगे ही होंगे, उसके साथ आपका फ्रेंड भी आपसे मोटिवेट होएगा. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिथुन कुमार है, मैं बिहार से हूँ. आज का मैसेज यही है कि जो मेरे वीडियो आर्मी भाई के पास या वो देखेंगे तो उनके लिए थैंक्स लॉट. आप लोगों के कारण ही हम यहाँ पे विदाउट टेंशन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, आई एम पीयूष आसवानी, आई एम फ्रॉम भोपाल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल. मेरा मैसेज यही है कि बी हैप्पी एंड बी फोकस्ड इन लाइफ. हेलो फ्रेंड्स, माई नेम इज आदर्श कुमार गुप्ता, आई एम फॉर बिहार तमड़ी डिस्ट्रिक्ट. मेरा यही मैसेज है कि अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और जो ड्रॉपर सब है उनके लिए स्पेशली मैसेज है कि इस साल के बाद मौका नहीं मिलेगा अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, इसीलिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए. जय हिंद, जय भारत. हेलो ऑल ऑफ यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड रक्षाबंधन. आई एम कुंदन कुमार फ्रॉम बिहार, पूर्णिया बिहार. एंड मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आया हूँ, जिस लक्ष्य के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं उसके लिए पूरी तरह से अपने पढ़ाई पर फोकस करता हूँ. इसी तरह आप लोग भी अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस करें और नीमसेट यहाँ से क्रैक करके ही जानी है और इसी तरह पूरी मेहनत करें आप लोग. हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. मेरा नाम एम डी नूर इस्लाम है, आई एम फ्रॉम बिहार. मेरा मैसेज ये है कि आपने जो गोल फिक्स किया है उस पर लगे रहें, क्योंकि फेलियर तो ज़िंदगी में हर कोई होता है और बहुत बार होता है. तो जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठेंगे. अगर जितनी बार फेल होते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है, तो इसलिए बार बार कोशिश करते रहें, कोशिश करते, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं. हाय, मैं करण गुरबानी. वैसे तो सब मेरे दोस्तों ने सब बता ही दिया है, बस एक चीज़ और, कूल रहो और लाइफ को इन्जॉय करो. निमसेट तो मेहनत करने वालों को क्लियर हो ही जाएगा. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ धर्मेंद्र. मैं एक केंद्र शासित प्रदेश से हूँ जिसका नाम है दादरा एंड नगर हवेली. मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऑल ऑफ यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. सब इंडिपेंडेंट रहे और कुछ नहीं, और हैप्पी रक्षाबंधन बहनों के लिए खास करके. और खास करके मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर मम्मी पापा एंड भाई बहन. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. मेरा नाम चंद्रशेखर प्रजापति है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ. मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ मेहनत की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है. थैंक यू. नमस्कार एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी राखी. इस दिन मैं एक मैसेज देना चाहूँगा जो हम बहुत पहले से देते हैं सबको हमारे एरिया में. मैं हूँ उत्तराखंड से, देवभूमि. तो हम वहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर आप 15 अगस्त को झंडा नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 16 अगस्त को जो झंडा गिरे हुए हैं रास्ते पे उनको उठा लो. और
और हमारे लिए जो सबसे बड़ा जॉब है इस देश का वो है आर्मी जॉब, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ अर्जुन कुमार, बेसिकली फ्रॉम बिहार। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि सर का जो मैं एक वीडियो देखा था जो कि मोटिवेट वीडियो था, कि जैसे प्लेयर जहाँ हम लोग आए हैं नीम सेट क्राई करने के लिए, जैसे प्लेयर इतने मेहनत करते हैं कि एक छोटी सी जिंदगी की मेहनत करते हैं 4 साल 5 साल, उसके बाद कई सालों लग जाते हैं मेहनत करने में, हमको एक साल कम से कम चाहिए, एक साल जी जान लगा के हम कर दें मेहनत तो भी मेरा क्रैक हो जाएगा। और बेसिकली हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज आजकल ज़्यादा हो गया, टेक्नोलॉजी पे हम फोकस करते हैं। तो आज रक्षाबंधन और 15 अगस्त को सभी स्टूडेंट को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह हम जिस सोल्जर को आज हम सोल्जर के वजह से हम लोग यहाँ खड़े हैं, अगर सोल्जर नहीं रहते जैसे कि पुलवामा अटैक जैसे जो भी है इतने बलिदान दिए, जो सोल्जर के वजह से हम लोग खड़े उसके तरह हम रिस्पेक्ट नहीं करते उन लोगों को। कई ऐसे हैं कि जो रिस्पेक्ट नहीं करते, हम देखे हैं रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको रिस्पेक्ट देना चाहता हूं और मैं सभी का हार्दिक शुभकामना। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आई एम नरेंद्र रामदेव फ्रॉम यूपी, एंड मुझे इस बार निम सेट क्रैक करना है और मुझे अपना बेस्ट देना है और एक अच्छी रैंक लानी है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु विश्वकर्मा फ्रॉम झारखंड। मैं आप सभी को यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में जाएं, यहाँ से निकलने के बाद चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने की इच्छा जागृत करें, क्योंकि यह एक हम लोग का एक ही धर्म है, एक ही राष्ट्र है, एक ही पर्व है जो 15 अगस्त के रूप में हम लोग मनाते हैं, राष्ट्र पर्व के रूप में 15 अगस्त 26 जनवरी। तो हम सभी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें यहाँ से निकलने के बाद चाहे किसी भी फील्ड में जाएं। और मैं उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो इस स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं, तो उनके लिए मैं जयकारा मनाना चाहता हूँ जो दिल से आप लोग सब बोलेगा भारत माता की जय। मैं बोलूँगा तो आप लोग भी बोलेगा भारत माता की जय, अमर शहीदों की जय, जय हिंद जय भारत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई एम प्रफुल्ल शर्मा फ्रॉम भोपाल। आई एम प्रफुल्ल शर्मा फ्रॉम झारखंड। थैंक्स टू ऑल माई पेरेंट्स जो आज यहाँ पे मुझे खड़े हैं, एंड मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभी को अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए, कोई एक नहीं सभी को हार्ड मेहनत कीजिए, एमसीए को निकालिए और अपना अपना लक्ष्य को अचीव कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम प्रमोद कुमार, आई फ्रॉम टू बांद यूपी बांदा। मेरा यही कहना है कि अपना टारगेट को उनका और समय को अच्छे से फॉलो करें, बस। थैंक यू। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी को। मैं बिहार से मोहम्मद अफसर आज़म हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है भोपाल में रुक जाने से कुछ नहीं होगा, रक्षाबंधन में या इसमें 15 अगस्त में आप गए नहीं हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, इसका इस्तेमाल कीजिए। आप तुम हम इसीलिए मेरा एक स्लोग है, तुम समय और अनुशासन का दासी बन जाओ, सक्सेस तुम्हारा दासी बन जाएगा। माय नेम इज़ धर्मेंद्र झा फ्रॉम बिहार। मेरा एक सिंपल सा मैसेज है, सबको ने सारा कुछ दे ही दिया है मैसेज। मेरा एक अस्वच्छता के पे एक छोटा सा मैसेज है, सरहद तो फौजी बचा लेंगे इस वतन, सरहद तो फौजी बचा लेंगे बैठे वतन के साधना में, हम भी कुछ अर्पण कर दें इस भारत माता की चरणों में। वो अर्पण क्या है? वो अर्पण एक अस्वच्छता जो है हम लोग कूड़ा फेंकते हैं, वो उस अस्वच्छता को हम लोग सही कर लें, उसे मतलब उस गंदगी को सही जगह जाके फेंकें, यही हम लोग एक भीष्म प्रतिज्ञा कर लें आज, तो हम लोग भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और सरहद हमारे फौजी में ये काबिलियत है, वो सरहद बचा लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मेरा मैसेज मेरे पापा के लिए है, जैसे कि मैंने पापा को बोला है कि मैं नेक्स्ट ईयर NIT ट्रीची क्रैक करके ही आऊँगा, तो थैंक्स पापा मुझे सपोर्ट करने के लिए और मैं नेक्स्ट ईयर NIT ट्रीची क्रैक करके ही आऊँगा। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ किशन कुमार ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम गुजरात सूरत, लेकिन मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ बिहार से। और मेरा यही मानना है कि सेल्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन अपने लाइफ में बहुत बड़ा रोल अचीव करने के लिए करता है, और मैं यहाँ से NIT अच्छे से अच्छे NIT में अपना रैंक लेके जाऊँगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित राठौर, मैं यूपी से हूँ। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट किया और उनका जो विश्वास है, हमारे फ्रेंड का
फैमिली का, हमें ऊपर जो विश्वास है, जिस विश्वास से उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है, तो हमें 100% दें और उस विश्वास को टूटने ना दें। थैंक यू सर। और स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएँ, और रक्षाबंधन की भी। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जो सोल्जर होता है ना, उसके लिए एक झंडा बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो उसको बहुत अपनी जान मानता है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, आप 15 अगस्त को झंडा खरीदो, मगर उसे उसको 16 अगस्त को रास्तों में नहीं मिले, ये बोलना चाहूँगा मैं। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ईशान, आई एम फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल। मेरा मैसेज सभी के लिए यही है कि खुद से ऑनेस्ट रहे, क्योंकि धोखा आप सभी को दे सकते हैं लेकिन खुद को नहीं दे सकते। इसीलिए कभी अपने गोल से ना भटके और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आपके आगे बढ़ने से ही आपके माहौल, आपके एनवायरनमेंट में जो और बच्चे हैं, वो भी आपको देख के आगे बढ़ेंगे लाइफ में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को 15 अगस्त और राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम दीपक, मैं बिहार से हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिकंदर चौरसिया फ्रॉम यूपी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर ऑल ऑफ यू। माय मैसेज है कि थिंक पॉजिटिव एंड बी हैप्पी ऑलवेज। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के बारे में ना सोचिए, अब जो निमसर जो आने वाला, अपने आज को अच्छा बनाइए तो कल अच्छा हो जाएगा, निमसर अच्छा हो जाएगा। माय नेम इज आयुष कुमार, आई हेल्प फ्रॉम बिहार। मैं सभी देशवासी से ये कहना चाहता हूँ कि अपने देश से गद्दारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे माँ को कोई गाली देता है तो मुझे उस पर गुस्सा आता है, लेकिन मेरे भारत माँ तो कोई गाली देता है तो मुझे बहुत। हेलो एवरीवन, आप सबको 15 अगस्त और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है सूरज, मैं बिहार के एक छोटे से ज़िले कटिहार से आया हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं एक अपने अंदर की सारी बुराई छोड़कर एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। आज से मैंने ये प्रण लिया है। हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। माय नेम इज अमरेश कुमार एंड आई एम फ्रॉम सासाराम बिहार। सो मेरा मैसेज ये है कि कर्म ही पूजा है, अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। सो कर्म ही पूजा है बस। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश चंद्रवानी, मैं प्रॉपर भोपाल से हूँ, और हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ़ यू। और रक्षाबंधन भी आज ही है तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। और सर का एक फेमस डायलॉग है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसने मई में मेरे साथ चाय पी ली उसका सिलेक्शन पक्का है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सागर गुप्ता, आई एम फ्रॉम झांसी। मेरा एक ही मैसेज है कि आप रैंक के लिए नहीं पढ़ो, आप नॉलेज के लिए पढ़ो, सर का डायलॉग है। गुड मॉर्निंग, आई लव यू। माय नेम इज दीपक साहू फ्रॉम माखनगर वावी, और मेरा इतना ही कहना है कि आप जिस गोल के लिए आए हैं उसके लिए ईमानदार रहें, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयूर। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन डे टू ऑल ऑफ यू। माय मोटिवेशन एंड माय थॉट इज लाइफ इज बाइनरी, सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार वर्मा है, मैं यूपी से हूँ। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें तो हमें आराम से मिल जाएगा हमारा लक्ष्य। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम फ्रॉम आसाम, माय नेम इज़ देवांको देव। और सभी जानते हैं आज से 70 साल पहले जैसे पाटिल जी ने यूनाइटेड किया था पूरा इंडिया को, तो उन्होंने उनके लिए आज हम इतना दूर से यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। बहुत सारे हैं जब बाहर से आए हैं, और हम यही चाहते हैं कि उन्होंने जो जैसे सोचा था कि हम यूनाइटेड रहेंगे, ऐसे आप सबको जो भोपाल के हैं वो भी हम लोगों का साथ दें और यहाँ पर हम लोगों को हेल्प करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम ओडिशा, आई एम निरंजन राउत। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम संदीप कुमार फ्रॉम बिहार। माय मैसेज एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल। मेरा मैसेज ये है कि रिस्पेक्ट करो यार, किसी की भी हो, कुछ भी हो, कैसी भी हो, कितने भी बड़े बन जाओ अपनी लाइफ में, सबकी रिस्पेक्ट करना सीखो। मैंने बस यही सीखा है अभी तक और आगे भी मैं यही करूँगा। Hey guys, good morning to all of you. I am Shivam Kumar from Bihar. First of all, I would like to thanks my dear friends and especially my sir, Saraj sir, because he has given me a golden opportunity in front of you to say some things on this day. And we know that today is Independence Day and also a Rakshabandhan. और रहा बात की एक मैसेज का, तो मैं पूरे अखंड भारत वासियों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि हम पूरे देश के लिए मेहनत करें और पूरे देश को समृद्ध बनाएं। बस ये आपसे आखिरी मेरी विनती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषिकेश शर्मा, मैं आसाम से हूँ।
तो ऐसे कभी मुझे मौका नहीं मिला है ऐसे बोलने के लिए, मैं इसके लिए सर को शुक्रिया कहना चाहूँगा। तो मैं सिर्फ इस मौके पे अपने आप से एक प्रॉमिस करना चाहूँगा कि सर, मेरे मम्मी पापा ने जिस मेहनत करके मुझे यहाँ पे भेजा है और सर के गाइडेंस में मैं एक साल पूरी मेहनत करके जितना हो सके मुझे उसका बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रामकिशन है, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना हो, आप उनका सामना करें और आप जितनी भी स्ट्रगल और जितनी भी कठिनाइयों को सहते हैं आप उतना ही एक मजबूत इंसान बनते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस, सबने सब बोल दिया है और मेरा नाम योगेश है और कहना चाहूँगा कि ज़्यादा खुशी तब होती है जब लास्ट में आता है यहाँ पे स्टेज में सर के साथ। तो कहना यही चाहूँगा कि मेरा मानना यह है कि जब भी मतलब मुझे डीमोटिवेट होता मतलब होने लगता हूँ या फिर कुछ भी ऐसा निराशाजनक होता है तो हमेशा अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लेता हूँ, क्योंकि बोला जाता है कि भगवान ने पूरा यूनिवर्स समाया है तो अपने माँ बाप अपने लिए भगवान ही है एक तरीके से। तो जब भी कुछ होता है तो माँ बाप का चेहरा याद कर लेता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और जब भी कोई तकलीफ होती है तो माँ बाप के पास चले आता हूँ, कोई ना कोई सॉल्यूशन हर तरीके का निकल जाता है, चाहे अनुशासन हो चाहे कुछ भी, वो हर एक चीज़ है जो मुझे हर चीज़ दे सकती है। बस यही कहना चाहूँगा कि सब ऐसा अगर सोचें तो शायद कुछ हो सकता है या हो गई, ऐसा मतलब मेरा मानना है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह फ्रॉम बक्सर बिहार। आज रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे एक ही साथ है, इसलिए मैं एक बोलूँगा कि मातृभूमि से बड़ा कोई धर्म नहीं और हमारे देश में नारियों को देवी का स्वरूप दिया जाता है, इसलिए नारी का सम्मान हमेशा करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे राखी। माय नेम राजीव कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चंद्रमौली कुमार सिन्हा फ्रॉम बिहार। हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी राखी। मैं घर वालों को मैसेज देना चाहूँगा, घर वाले डेली मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि तू ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जैसे यहाँ पे हूँ तो कहीं पढ़ाई का स्ट्रेस ना हो, ये है वो है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। वहाँ तो मैं कभी लाइफ में नहीं पढ़ा था 2-3 घंटे भी दिन में, तो यहाँ 8-8 भी 10-10 भी पढ़ रहा हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। और आगे का मेरे को कुछ नहीं पता, बट स्टिल अभी जो भी कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ। आज फेस्टिवल वाले दिन भी क्लास अटेंड करी है तो कुछ रिग्रेट नहीं है, आई एम एंजॉइंग दैट। ओके, थैंक यू। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम सूर्य शुक्ला है और मैं यहीं भोपाल का रहने वाला हूँ और मैं एक एक्स एनसीसी एयरफोर्स का कैडेट था। तो वहाँ पे सिर्फ हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी और पूरी एनसीसी का मोटो एक ही होता था, वो मोटो होता था यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये कहने को सिर्फ दो शब्द हैं लेकिन इनको देखा जाए तो इन दो शब्दों से पूरी ज़िंदगी बदल सकती है आपकी। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक पाल है, मैं बनारस से हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि झंडे का अहमियत यहाँ नहीं पता चलता, हमारे देश में कहीं बाहर जाओ तब पता चलता है, इसलिए मैं कहूँगा झंडे का इज्जत दें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इंडिपेंडेंस डे रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा आप लोगों को। और मैं एक ही मैसेज, मेरा नाम हरिश्चंद्र है और मैं बिहार से चंपारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों से कि आज जहाँ आप खड़े हों नीम सेट के बाद आप यहाँ भी खड़े हों, और थैंक यू। हेलो, मेरा नाम दीपांशु शर्मा है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, तो कभी हिम्मत नहीं हारनी है। और हम यहाँ बड़ा लक्ष्य लेकर आए हैं तो बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय अनुगामी, किंतु अहम छोटा हो जिसमें मिले सभी सहगामी। तो बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, कष्ट जो मिलेंगे जो मुस्करा के सब सहेंगे, हम देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे, हम देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े। नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा छोटा सा मैसेज बस इतना ही है कि ज़रूरी नहीं सबके पास बंदूक लेकर के आप बॉर्डर पर जाएं तभी देश की रक्षा हो। आप जहां कहीं भी हों, गवर्नमेंट जॉब में हों, प्राइवेट जॉब में हों, अपना काम ईमानदारी से करिए, वही बहुत बड़ी देश की रक्षा है। और दूसरी चीज़ है कि इज्जत, जिसकी बहुत लोगों ने बात करी है, इज्जत सबकी होनी चाहिए, मेल हो फीमेल हो, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पे 2 घंटे शॉपिंग करके आ रही महिला अगर सीट रिजर्व करती है
तो दिन भर सुबह 8 से शाम 8 तक काम करके आ रहा लड़का भी इज्जत डिजर्व करता है, सीट डिजर्व। गुड मॉर्निंग गाइस टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम अमन है, मैं यूपी से हूँ। हमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा क्या बोलना है। बस इतना कहना है कि अगर यहाँ तक आ गए हैं तो अपना पूरा 100% देंगे और निमसेट क्रैक करके जाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हिमांशु कुमार सेठ, आई एम फ्रॉम जौनपुर उत्तर प्रदेश। मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को सपोर्ट, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया यहाँ आने के लिए, मैं उनको थैंक करना चाहता हूँ स्पेशली। मेरा नाम अजीत कुमार पटेल है और मैं यूपी में मिर्जापुर से हूँ। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी करना है एक रूटीन बनाना है कि मंथली चाहे पर डे का एक टारगेट पूरा करना है और उसको कर करके हमको क्या करना है, निमसेट को क्रैक करना है, बस। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रदीप गोस्वामी है, मैं यूपी के फरोबाद ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरा मैसेज ओनली मेरी मम्मी के लिए है कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे पे विश्वास दिखाकर मेरे को यहाँ पर भेजा है, और मैं उनसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से निमसेट में क्रैक होके ही जाऊँगा। और मेरी एक लाइन बोलना चाहूँगा इंडिया के लिए कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज वर्मा है, मैं इटारसी से हूँ, और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको इतनी परफेक्टली करें कि उस फील्ड में हमको कोई हरा ना सके और ना हम कहीं हार सकें। थैंक यू। हेलो एवरी डियर माय फ्रेंड एंड सर, माय नेम इज़ ललित कुमार परम बिहार। मैं स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं एक सफल आदमी बन करके अपने देश का सेवा करना चाहता हूं और अपने से जो भी बैकवर्ड है उस सब बैकवर्ड के लोग हैं उसको मैं सेवा करना चाहता हूं एक सफल आदमी बन के। हेलो गाइस, माय नेम इज़ कृष्णा नगाई और मैं यूपी से आया हूं। मैं सबसे पहले तो आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और जो कि आज रक्षाबंधन की है तो उसके लिए भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के लिए मैं केवल एक यही मैसेज देना चाहूँगा, जो कि मुझे अपने पापा की बात हमेशा याद आती है कि दूसरों की नेगेटिविटी पे ध्यान दोगे तो खुद का विकास रुकेगा, ये बात क्लियर है। और इस बात को मन में बैठा लो कि दूसरों की नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है, जितना ज़्यादा खुद पे ध्यान दोगे उतना ज़्यादा सक्सेस पाओगे। और मोस्ट ऑफ सबसे बड़ी चीज़ बिलीव, जो कि खुद पे होना चाहिए और खुद से ज़्यादा अपने गुरु पे होना चाहिए, जिससे कि आप ज़रूर सक्सेस होगे। थैंक यू। माई नेम इज़ उमंग अग्रवाल एंड आई फ्रॉम यूपी, एंड मैं यही कहना चाहूँगा, एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि छोटे शहर होते हैं, सपने नहीं होते, तो उसी सपने को लेके आगे बढ़ना है और फिर सरसर से फिर ट्रॉफी लेनी है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ कुमार ठाकुर है, मैं चक्रधरपुर झारखंड से हूँ, और मेरा सभी को इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिन मलिक, आई एम फ्रॉम दिल्ली, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन। एंड मैं अपने पेरेंट्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ आर्यन, आई एम फ्रॉम मेरठ यूपी। मेरा मैसेज ये है, रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स और अवर कंट्री। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आई एम अभिषेक चौहान फ्रॉम दिल्ली। आप सभी को 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको कभी भी लगे कि आप कभी भी डिमोटिवेट हो रहे हैं, आप अटल जी की एक कविता याद रखिएगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपार पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्त, मैं बिहार से हूँ ललन कुमार, मैं स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, और मैं अपने भैया को मैसेज देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है तो मैं नीम सेट क्लियर करके जाऊँगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन कुमार है, मैं बिहार से हूँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ नीम सेट को 100% देना है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मेरा नाम प्रशांत है, मैं जबलपुर से हूँ जो MP में है, और मैं अपने फादर साहब को धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने 1 साल का मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, और उन्होंने 30 साल अपने फौज को दिए 30 साल, और उन्होंने मतलब बहुत मेरे को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, तो धन्यवाद। मेरा नाम मोनू है और मैं बिहार से हूँ, मैं इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए आज ये शर्ट पहना हूँ। तो फॉर नेम सेट मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, हाउ द जोस, हाउ द जोस, हु आर वी, हु आर वी, और आप लोगों की तरह मेरे तो पापा नहीं है, तो मैं अपनी मम्मी को
ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा इधर से झंडे गाड़ के ही जाएगा। गुड मॉर्निंग ऑडियंस, माय नेम इज़ अमृतेश कुमार एंड आई एम फ्रॉम बिहार। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड ऑल्सो रक्षाबंधन टू लवली सिस्टर्स एंड डियरेस्ट ब्रदर्स। माई मैसेज इज हेयर टू रेज अ वेरी वेरी हॉट इशू विच इज डिग्रेडिंग द इंडियाज डेवलपमेंट। दैट इज वी ऑल नो दैट वी ऑल आर गेटिंग टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। वी ऑल विल फर्स्ट क्रैक निमशेट एंड देन गेट टॉप NIT एंड देन एक्वायर IT नॉलेज एंड देन गेट इन टू एन MNC। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बींग यूथ ऑफ इंडिया इज दैट वी नो दैट मोस्ट ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया इज गेटिंग एब्रॉड। एंड तो अगर साफ शब्दों में बोला जाए तो आपको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले कि आपको कहाँ नौकरी करना है तो आप इंडिया को चुने, यही है मेरा मैसेज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कपिल है और मैं MP के सीहोर से हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ से मेरे दो बहन को रक्षाबंधन की बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मानस और मैं वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से हूँ। आज के दिन मैं अपने मम्मी पापा को यही प्रॉमिस करना चाहूँगा कि जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ वो फुलफिल करके जाऊँ। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं ना तो उसके लिए बस दो ही चीज़ करें, या तो जान लगा दो या उसे जाने दो, ठीक है। और अगर हम न्यू सेट करने आए हैं ना तो हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, हमारा नाम रोशन राज है, मैं बिहार से हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मायसेल्फ सत्या फ्रॉम उड़ीसा। माय मैसेज इज दैट द बेस्ट और नथिंग, जो भी करो बेस्ट करो, नहीं तो उसके अलावा कुछ मत करो। मायसेल्फ विजयानंद बारिक, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। हैप्पी इंडिपेंडेंस ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा बस ये कहना है कि ज़रूरी नहीं कि आप डिफेंस में रह गई आप अपने देश की सेवा दें। आप किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में होकर आप अपने देश की सेवा दे सकते हैं, जैसे कि अदर गवर्नमेंट फील्ड्स बहुत हैं, ऐसे कैसे गिना दूं आप लोगों को, है ना। बाकी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। हेलो, माय नेम इज़ हर्ष वाजपेयी एंड आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। आई जस्ट वांट टू से यू वन थिंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड आगे का कुछ मत सोचो, जस्ट वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ धर्मेंद्र एंड दिस इज माय फ्रेंड सचिन। आई एम फ्रॉम दादरा एंड नगर हवेली, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ऑल ऑफ यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू सिस्टर्स लॉन्ग। मैं मम्मी पापा को बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं बस यहाँ बस ठीक हूँ, और जो आपने मुझे सपोर्ट किया है, खास करके मेरे भाई ने, बड़े भाई ने सपोर्ट किया है, उसके लिए भी मैं थैंक्स कहता हूँ बड़े भाई को। और थैंक यू। हैप्पी रक्षाबंधन एंड हैप्पी स्वतंत्रता दिवस। मम्मी पापा, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, तुम मेरी परवाह मत करो, और मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ आया हूँ मैं वो पूरा करके ही आऊँगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम प्रफुल्ल शर्मा फ्रॉम झारखंड। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे MCA के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने आया हूँ, गाइडेंस शरद सर के सर। और मैं अपने मम्मी पापा और सभी पेरेंट्स को यह कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ अच्छा से पढ़ाई कर रहा हूँ और पूरी मेहनत को लगन के साथ पूरा MCA एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वर्ष मैं सफलता पाऊँ। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मोहित गुरबानी है। मेरा बोलना सिर्फ इतना है, बाकी सब तो चलता रहेगा। निमसेट के लिए एक ही साल मिला है, जो आप सोच के आए थे वो करो, अनुशासन लाओ अपने अंदर, बाकी सब तो होता रहेगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ संदीप यादव फ्रॉम हरियाणा। मैं आप सभी को बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो शायद ये सोचते हैं कि उन्होंने निमसेट करने का निर्णय ले लिया है, मगर बाद में डीमोटिवेट फील करते हैं। संदीप महेश्वरी की वीडियो देख रहे हैं, विवेक बिंद्रा की वीडियो देख रहे हैं कि यार कैसे मैं अपने आप को बूस्ट करूं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप अपने वाई को याद करिए, आपने ये निर्णय लिया क्यों था। जस्ट रिमेंबर योर वाई। अगर आपने एक निर्णय लिया है तो वो आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को प्रूव करने की कि हाँ मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है। अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता निमसेट को अचीव करने से। सबसे पहले आप सबको 15 अगस्त और रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं यश और मैं यही मैसेज देना चाहूंगा
ये आपका साल है, अगर इस साल आपने मेहनत की तो आप ज़िंदगी में हर कुछ अचीव कर पाओगे, पर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये साल भी बाकी सारे सालों की तरह वेस्ट चला जाएगा आपकी ज़िंदगी में। आखिरी में ये कहना चाहूँगा मैं, अगर आप में से कोई भी प्रोग्रामिंग से तात्पर्य रखता है तो YouTube पे मेरा प्रोग्रामिंग चैनल है प्रोग्रामिंग गुरु के नाम से, सब्सक्राइब कीजिए।